काफी दिन से कैनन R5 और कैनन R6 यूट्यूब में देखो, वेबसाइट में देखो, हर जगह इसी के बारे में चर्चा हो रहा था। और जिनके पास एक अच्छा बजट है, जो एक नया कैमरा लेना चाहते हैं, कुछ लोगों ने तो प्री ऑर्डर कर लिया। लेकिन ऑलमोस्ट जब हमें लग रहा था कि शायद कैनन R5 इज द बेस्ट कैमरा वी हैव राइट नाउ, वी गॉट दिस। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आजकल मैं शुरुआत में बोल नहीं रहा हूँ इसलिए शायद लोग ज्यादा सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। इफ यू हैवंट प्लीज डू सब्सक्राइब। एनीवेज, लाइमलाइट अभी थोड़ा सा सोनी A7S3 पे शिफ्ट हो चुका है, एंड होना भी चाहिए फॉर द काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस इट हैज। सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं, लोगों ने जब हैंड्स ऑन किया है उसके प्री प्रोड यूनिट के साथ, प्री प्रोडक्शन यूनिट इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट कैमरा। यूजुअली हैंड्स ऑन करने देते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करके फिर रिलीज करते हैं। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ, प्री प्रोडक्शन यूनिट के साथ ही लोग इतना खुश है। वेल, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है। मुझे पता है कि इतना बड़ा यूट्यूबर मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि सोनी अगर मुझे एक कैमरा भेज देता, आई वुड हैव लव्ड टू डू अ हैंड्स ऑन दैट। एनीवेज, बैंगलोर में ये कभी भी आएगा और अगर रेंटल के लिए अवेलेबल हो जाएगा, पहला दिन ही मैं ये लेके आऊंगा और हैंड्स ऑन करूंगा और सारे फुटेजेस आपको दिखाऊंगा, दिस थिंग आई कैन प्रॉमिस। लेकिन अभी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस का प्रीव्यू करते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि कैनन का R5 8K दे रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, 8K इज नॉट अ नेसेसिटी। 8K उन बड़े बड़े प्रोडक्शंस जो है, जो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, जो टीवी कमर्शियल्स करते हैं, खास करके जो OLED मॉनिटर्स के एडवर्टाइजमेंट सब होता है, वहां पे 8K का बहुत अच्छा एक्सप्लॉयटेशन होता है। हम जो प्रोफेशनल्स है, भले ही वो वेडिंग की सिनेमेटोग्राफर ही क्यों ना हो, 8K का उतना अच्छा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा, खास करके जब 20-30 मिनट में ओवरहीटिंग शुरू हो जाता है। उसके बदले में अगर मुझे HD में 240 फ्रेम्स पर सेकंड मिल रहा है, वेडिंग सिनेमेटोग्राफी में मैं इसको ज्यादा एक्सप्लॉयट कर सकता हूँ। ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ऐसे इमोशंस होते हैं, जब बहुत स्लो मोशन में जब होता है, इट मेक्स द सिनेमा लुक मोर ब्यूटीफुल। एनीवेज, जो हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशंस में जाने से पहले एक चीज मैं बता दूंगा, सोनी अपने जो कैमरास है वो सेग्रीगेट करके रखता है। मतलब उसका स्पेसिफिक सीरीज है जो वीडियो कैमरास के लिए है, उसका स्पेसिफिक सीरीज है जो हाइब्रिड टाइप होते हैं, वो फोटोग्राफर्स के लिए कुछ बनाता है, व्लॉगर्स के लिए कुछ और बनाता है। सो यू शुड कीप दिस इन माइंड। कमिंग टू स्पेसिफिकेशंस, 4K 120, काफी लोगों ने टेस्ट किया है एंड द फुटेजेस आर ब्यूटीफुल। उसको छोड़ के आपको मिलेगा 240 फ्रेम्स पर सेकंड ऑन HD। अगर मेरे पास कैमरा आया, दिस इज वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेस्ट, जो कॉम्बिनेशन है रेगुलर फुटेजेस 60 फ्रेम्स पर सेकंड, 120 फ्रेम्स पर सेकंड, उसके बाद अभी 240 फ्रेम्स पर सेकंड। काफी सारे सिचुएशंस होते हैं जहां पे हम लोग जब हैंड हेल्ड शूट करते हैं, अगर हम उसको स्लो मोशन में शूट करते हैं, तो स्टेबिलाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। एनीवेज, आई एम एब्सोल्युटली लाइकिंग दिस 10-bit 4:2 ऑसम कलर्स। क्या आपके लिए उसकी जरूरत है, वो एक क्वेश्चन है। यू विल बी द राइट पर्सन टू डिसाइड इफ यू नीड दैट। ये 10-bit क्या है, 4:2 क्या है, इसके बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा। 15 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज, हमारे आंखों का जो डायनामिक रेंज है वो शायद अप टू 20 स्टॉप्स है। तो दिस इज वेरी यूजफुल, खास करके जब आप बाहर ले जाते हो कैमरा को। ड्यूअल कार्ड स्लॉट्स है एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू टाइप ऑफ फास्ट मेमोरी कार्ड्स, CF एक्सप्रेस टाइप ए। सोनी कहता है कि ये टफ कार्ड है, मतलब हीट को दूर रखता है, कुछ हद तक हम इसको बेंड भी कर सकते हैं और ये शॉक प्रूफ है। और इन कार्ड्स के स्पीड को मैच करने के लिए सोनी इज रिलीजिंग ए USB-C विच हैज ए स्पीड ऑफ 10 Gbps, ISO 4 लाख के ऊपर तक जाता है, एंड दिस हैज वर्चुअली नो हीटिंग एट ऑल। मतलब लोगों ने इसको 1-2 घंटे तक शूट किया है एंड दे आर नॉट फेसिंग एनी हीट। आप अगर सिनेमेटोग्राफर हो, इट कैन नॉट गेट बेटर देन दिस। अब आप इतना सारा पैसा लेके एक पर्टिकुलर कैमरा में डालते हो, वो बहुत ही हाई एंड कैमरा है, प्रोफेशनल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप शूट करने जाते हो, आधे घंटे में या फिर 40 मिनट्स में वो हीट हो जाता है। वेडिंग जैसे सिचुएशन या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे कंटिन्यूस शूटिंग की जरूरत है, वहां पे आप क्या करोगे? इतना महंगे दो कैमरास, इट ओनली हैज 12 मेगापिक्सल। अब आपको लगेगा कि 12 मेगापिक्सल, जब कुछ कैमरास 45 मेगापिक्सल तक जा चुका है, 12 मेगापिक्सल कम नहीं है? वेल, इट्स नॉट, एटलीस्ट फॉर 4K इट इज नॉट। इनफैक्ट टेक्निकली 4K के लिए 12 मेगापिक्सल की भी जरूरत नहीं है, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है इसलिए यूज किया जाता है। 4K वीडियोस के लिए 12 मेगापिक्सल ही क्यों काफी है, अगर आपको जानना है तो यहाँ पे वीडियो है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि लोग 45 मेगापिक्सल का बना रहे हैं, मिनिमम 25 मेगापिक्सल रख रहे हैं, तो सोनी ने सिर्फ 12 मेगापिक्सल क्यों रखा? ऐसे ही ज्यादा रख देते, मेगापिक्सल का मार्केटिंग भी हो जाता। लेकिन सोनी को पता है कि हीटिंग इश्यू इज बिगर देन मेगापिक्सल। जब पिक्सल डेंसली पैक्ड होता है सेंसर चिप के ऊपर, दैट विल बी वन ऑफ द रीजंस फॉर हीट। सोनी ने दिमाग लगा के मेगापिक्सल को कम रखा है, विच इज मोर देन इनफ फॉर 4K
एंड एब्सोल्युटली हेल्प्स टू अवॉइड द हीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और अलग अलग टैक्सेशन के हिसाब से। यूजुअली हम लोग फोटोग्राफी कैमरा और वीडियो कैमरा को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, फोटोग्राफी कैमरा को एक टाइम लिमिट होता है 29 मिनट्स 59 सेकंड्स कुछ होता है, उसके बाद अगर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है तो वो फोटोग्राफी कैमरा है। एंड इफ यू वॉन्ट योर कैमरा टू बी डिफाइंड एज ए वीडियो कैमरा, आप इस टाइम लिमिटेशन को हटा सकते हो। इस पर्टिकुलर कैमरा में मतलब सोनी A7S III में देयर इज नो रिकॉर्डिंग लिमिट, आप रिकॉर्ड बटन क्लिक करके छोड़ सकते हो। व्हाट एल्स डू यू नीड। मेनू सिस्टम अब अपडेटेड है और काफी सिंपल है। एंड नाउ वी हैव फोल्डेबल कंप्लीटली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन। एनीवेज ये किसके लिए है, सबसे पहले आपके पास एक अच्छा बजट तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास अच्छा बजट है और आप एक कैमरा लेने वाले हो, आप एक एब्सोल्यूट फोटोग्राफर हो और सिनेमेटोग्राफी के बारे में आप सोचते भी नहीं हो, इन दैट केस दिस मे नॉट बी ए कैमरा फॉर यू। अगर आप मेजरली फोटोग्राफर हो और कभी कभी सिनेमेटोग्राफी भी कर लेते हो, इवन इन दैट केस आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कैमरा फॉर यू। लेकिन आप मेजरली एक सिनेमेटोग्राफी करते हो और कभी कभी फोटोग्राफी भी कर लेते हो, आपका मेजर असाइनमेंट सिनेमेटोग्राफी का है, दिस इज द कैमरा फॉर यू। आप एक फोटोग्राफर हो ही नहीं, योर एंटायर लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग ब्यूटीफुल सिनेमास, प्रोडक्ट सिनेमेटोग्राफी, वेडिंग सिनेमेटोग्राफी, बी रोल्स बनाना, अगर आपका यही काम है, दिस पर्टिकुलर कैमरा इज मेड फॉर यू। एनीवेज आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप, प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।